फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स वेन एवर वी अपलोड न्यू वीडियोज़। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ अपने किचन में से एक और नई रेसिपी जो है चिकन पुलाव। ये दिखने में जितना टेस्टी है उतना ही खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। यह है चिकन। चिकन हमने 750 ग्राम्स चिकन लिया है, इसको मैंने काट कर अच्छे से साफ़ कर लिया है वॉश करके। यह है दही 200 ml, और यह है हमारा प्याज 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई। यह है नींबू, 2 नींबू का रस है। यह है धनिया और पुदीने के पत्ते जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये हरी मिर्चें हैं 10 से 12 जिसको मैंने बीच में से आधा स्लिट कर दिया है। ये अजीनोमोटो है 1 चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये है हमारा 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। और अब लेंगे हम ऑयल। ये 4 बड़े टेबलस्पून ऑयल है, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, मैंने नॉर्मल फॉर्च्यून का ऑयल यूज़ किया है। ये गरम मसाले 2 तेज़पत्ता, थोड़ी काली मिर्ची, 6 से 7 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 दालचीनी और 1 चम्मच ज़ीरा। और अब हम लेंगे इसके अंदर 4 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये है साबुत धनिया जो मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच, और ये है सौंफ जो मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच। अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हमने चावल लिया है, बासमती राइस है, ये 1 किलो चावल है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगा दिया है पानी के अंदर। और ये मैंने आलू लिए, इसको मैंने बीच में से 2 हिस्से में काट लिया। ये 4 आलू है, और ये जो भी पुलाव बनेगा ये तकरीबन 6 से 7 लोग आराम से खा सकते हैं। हमें एक छोटी पतीली लेनी है, और जो साबुत धनिया और सौंफ जो था वो पतीली के अंदर डालना है। इसका हम यखनी बनाएंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 1 ग्लास, और इसको हमें पकाना है फुल फ्लेम पर, ताकि जब इसको अच्छा सा जोश आ जाए तो इसके अंदर का जो मतलब अर्क है वो पानी के अंदर पूरा छूट जाएगा। फिर हम इसको ड्रेन कर लेंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे कम से कम 10 मिनट, फिर इसको हम स्ट्रेनर की हेल्प से ड्रेन कर लेंगे और सारा जो कचरा है वो अलग कर देंगे, और ये पानी को हम बाद में उसके अंदर ऐड करेंगे। हमें जिस पतीली में पुलाव बनाना है उसके अंदर हमने ऑयल पहले से डाल दिया, उसको गरम कर लिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो गया तो मैंने उसके अंदर प्याज ऐड कर दिए, और जितने भी हमारे गरम मसाले थे साबुत वाले होल गरम मसाला वो सारा मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया। अब हमारे इसमें जाएगी हरी मिर्चें, इसको हम थोड़ा सा टर्न देंगे अच्छे से फ्राई होने। इसको तब तक के फ्राई करना है जब तक इसके अंदर गोल्डन कलर ना आ जाए अच्छा सा। जब गोल्डन कलर आ जाएगा तब है एक एक करके हम सारी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। इसके अंदर हमने आलू ऐड कर दिया, हम आलू को थोड़ी देर इसके अंदर फ्राई करेंगे। फिर उसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, जो 4 चम्मच मैंने आपको बताया था वो 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। हम इसको अच्छे से भूनेंगे, तब तक के भूनेंगे जब तक इसकी रॉ स्मेल ख़त्म ना हो जाए। जैसे इसकी रॉनेस ख़त्म हो जाएगी हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा चिकन। चिकन ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से भूनना है हमें। हमें इसको ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना वरना आलू हमारे सारे टूट जाएंगे, ठीक है। जब हमारे ये अच्छे से फ्राई होने लगे तो हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। फिर ये हमारा गरम मसाला पाउडर और ये धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है, हम इसको भी इसके ऊपर डाल देंगे। अब जाएगा हमारा अजीनोमोटो। जैसे कि मैंने आपको बताया ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। 1 चम्मच नमक मैंने ऐड किया। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे तब तक पकाऊँगी जब तक कि हमारा जो कर्ड का पानी है वो पूरी तरीके से सूख ना जाए। जब ये हमारा कर्ड का पानी अच्छे से सूख जाए और ऊपर से ऑयल लूज़ आउट होने लगे तो हम इसके अंदर जो हमारा धनिया, साबुत धनिया और सौंफ का पानी था वो डालेंगे। ये नींबू पानी गया, इससे पहले मैंने धनिया पत्ती और मिंट लीव्स, मतलब कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स के पत्ते हमने इसके अंदर ऐड कर लिए। फिर हम इसको अच्छे से चलाएंगे और इसे ढककर हम कम से कम 10 मिनट तक के पकाएंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। 10 मिनट इसे मिनिमम पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। हमारा 10 मिनट हो चुका है, हमारा चिकन काफ़ी अच्छा अंदर से गल रहा है।
अब हमारा जो सूप, मतलब जो हमने पानी में सोक कर रखा था राइस को, बासमती राइस को, उसको इसमें डालना है। एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी हम राइस ऐड करते हैं, पहले से ऑलरेडी हमारी जो अखनी में पानी था, तो हमें पानी उसके हिसाब से डालना है, क्योंकि अगर भिगा हुआ जो चावल होता है उसमें ज़्यादा पानी नहीं लगता है। तो मैं अभी इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है मैंने इसके अंदर। हमें चम्मच से इसको चलाना है, फिर हमने इसमें 2 चम्मच नमक डालनी है। नमक आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेस्ट के अनुसार आप उसके अंदर नमक ऐड करिएगा। मुझे जितना, हमारे घर में जितना पसंद करते हैं, मैंने उतना ही डाला। मैंने आधा कप पानी और ऐड किया है चलाने के बाद में, मुझे ऐसा लगा कि पानी थोड़ा सा चावल और सोखेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। हमें इसको ढककर बीच में से 2 से 3 बार ही इसको चलाना है। ज़्यादा बार बार चम्मच से चलाने से चावल टूट जाता है, तो बासमती चावल जितने अच्छे लंबे खिले खिले बनेंगे उतने ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे आपको लगे कि आपका पानी काफ़ी रिड्यूस हो गया है, देखिए मेरा पानी पुलाव का काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, फास्ट गैस पे ही रखिएगा, ध्यान देते रहिएगा बीच बीच में। जैसे आपको लगे कि हमारा पानी ऑलमोस्ट चावल सोख चुका है, 40% बचा है, तो हम दम वाले तवे पे उसको रखेंगे। ये मेरा दम वाला तवा है, इस पे मैं अक्सर चावल बिरयानी ये सारी चीज़ें दम देती हूँ, क्योंकि दम पर बनी हुई चीज़ें वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हमारा नीचे का खाना जलता नहीं है उसकी वजह से। तो अभी हमें इसको तकरीबन 20 मिनट रखना है दम पर, फास्ट फ्लेम पे पहले 10 मिनट, फिर बाकी के 10 मिनट थोड़ा मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट 20 मिनट हमारा हो चुका है, देखिए हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है, और कितने अच्छे तरीके से एक एक चावल अलग अलग होकर बना है, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए हमारा कितना चावल खुला खुला बना है, और एकदम बहुत ही टेस्टी होता है। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे प्लेटिंग के लिए, देखिए मैं आपको बताती हूँ कितने अच्छे से हमारे चावल एक एक खिले खिले और अलग अलग हो रहे हैं चावल, बहुत टेस्टी होता है ये। डू प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी, आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही फास्ट बनने वाली चीज़ें होती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।